भैया को बुलाते, जैसे भैया बुलाया वहीं पे अंधेला हुआ था, वहाँ पे पहुँच गए तो हमने पूछा उससे कौन हो भाई, तो कहा मैं अपना नाम नहीं बताया सीधे, वो अपना कहा मैं गोली मार दूंगा मैं, वो उसने जैसे कहा गोली मार दूंगा उससे हमारे भैया झुक गए, तो उनके यहाँ पे यहाँ से छूती हुई निकल गई है। उसे उसी दौरान हमने मतलब दोनों भाई जो हैं उसको पकड़ लिया है, उसको विधवत मारा गया है, फिर पुलिस का हवाले कर दिया गया। एक छोटे लाल सुनी है, ये अब अपने दुकान से वापस आ रहे थे तो घर के सामने से दो व्यक्ति आए और उनको पकड़ा और उसमें से लोगों ने गोली मार दी इनको। गोली मार के इनका छोटा भाई था वो भागा वापस गली की तरफ, एक पंडित जी के मकान में घुसने का प्रयास किया, उसके पीछे पीछे बदमाश भी इसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक पब्लिक के लोगों ने घेर के पकड़ लिया। जो बातचीत सामने आई है, जो इनके भाई से बात हुआ है, अपनी कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदता बता रहे हैं यहीं के किसी सुनार से, और ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने सारी घटना कराई है और इससे पहले भी इन्होंने इनके साथ जो है व्यावसायिक रंजिश थी, तमाम बार इनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की घटना भी इनके साथ हुई। नहीं, जिसका उस गोली मारी है वो पकड़ा गया है और साथ ही साथ जिन असलहे से ये हत्या की गई वो असलहा भी पकड़ा गया है और साथ में गोली भी बरामद हुई है।